हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुभजीत। माइक्रोटेक्रा चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि xender के जरिए मोबाइल के डाटा पीसी और लैपटॉप में, पीसी और लैपटॉप के डाटा मोबाइल में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये जानने के लिए मेरा वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप लोगों के दोनों डिवाइस को सेम वाईफाई नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहिए। इसके लिए एक राउटर की ज़रूरत होगा। सेटअप करने के बाद सिंपली प्ले स्टोर में जाइए। मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करने के बाद xender टाइप कीजिए। अगर आपके पास xender नहीं है तो आप xender इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास पहले से xender इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं सिंपली ओपन करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे कनेक्ट टू पीसी, कनेक्ट टू पीसी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दो लिंक दिया हुआ है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ऊपर का लिंक टाइप कीजिएगा। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप नीचे का लिंक टाइप कीजिएगा। आप किसी भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, तो मैं यूसी ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। ऊपर वाला लिंक टाइप करने के बाद एंटर करिए। एक क्यूआर कोड शो करेगा आपके मोबाइल के नीचे, देख सकते हैं कि स्कैन पे स्कैन कीजिए ये क्यूआर कोड। स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल के पूरे डाटा आपके पीसी और लैपटॉप में चला आएगा। या फिर आप देख सकते हैं फोटोज आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये जो मिडिल वाला ऑप्शन है यहाँ से आप देख सकते हो। ये वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, पर डायरेक्टली प्ले नहीं कर सकते। ये म्यूजिक पे आप डायरेक्टली प्ले कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट पे आप डिलीट कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो, पर डायरेक्टली प्ले नहीं कर सकते। तो ये आपकी ऐप है, जितनी भी इंस्टॉल्ड ऐप है आपके मोबाइल में वो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो आप फाइल में जाइए। फाइल में जाने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके एसडी कार्ड का स्टोरेज, यहाँ पे एसडी कार्ड का जितना फोल्डर है राइट साइड पे शो करेगा। और ये फोन का स्टोरेज के जितनी भी फोल्डर है वो यहाँ पे राइट साइड पे शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वीडियो आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो ये वीडियो यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो ब्राउजर के मैं डाउनलोड सेक्शन पे जाऊँगा। आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग हो रहा है, मेरे डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है। तो कितनी फास्ट एंड कितनी इजीली ये वर्क करता है आप देख सकते हो। तो ये तो हो गया कि मोबाइल का डाटा आप कैसे पीसी और लैपटॉप में ले सकते हो, पर आप पीसी और लैपटॉप का डाटा मोबाइल में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसके लिए आप xender के होम पेज पे जाइए। जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप टू ट्रांसफ़र। तो आप यहाँ पे किसी भी फोल्डर या फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, वो आपके फ़ोन में चला जाएगा। मैं ये फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये एक वीडियो है, देख रहे हैं कि ये अपलोडिंग हो रहा है, मतलब मेरे फ़ोन में जा रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है। अब देख सकते हैं कि मेरे पीसी स्क्रीन में दिखा रहा है कि सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल को आप सिंपली ट्रांसफ़र कर सकते हो।
तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे अपडेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।